कासगंज। संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहे। इससे कासगंज में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से लड़खड़ा गई। उधर संविदा कर्मियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए कहा है, या तो सरकार उनकी मांगे माने, अन्यथा वह अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस नहीं लेंगे। बीते दो दिनों से उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर जिले भर के स्वास्थ्य संविदा कर्मी CMO कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अड़े हुए हैं। हड़ताल में जिले भर से आए संविदा स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर, ANM, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, LT, वार्ड बॉय, स्वीपर, आशा बहु आदि कर्मचारियों ने जोश के साथ भाग लिया। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी चार सूत्री मांगों को नहीं मान लेती है, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराया और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। दो दिन से चल रही स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से जिले भर की स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा गई। जिला अस्पताल में मरीजों की खासी भीड़ देखने को मिली। संघ के अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को परमानेंट करे और समान काम का समान वेतन दे। संविदा स्वास्थ्य कर्मी पूनम सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वह आर पार की लड़ाई करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। हमारी सरकार से केवल 5 मांगे थी, जिस पर हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है, जो समिति है, उसके द्वारा मांगों को मुख्यमंत्री महोदय के लिए भी ज्ञापन दिया जा चुका है और प्रत्येक जिला में जिलाधिकारी महोदय को दिया जा चुका है। और पिछली बार भी ऐसा ही कुछ रहा था जिन मांगों को लेकर, तो जो हमें माननीय राजनाथ सिंह जी ने आश्वासन दिया था कि अब आपकी मांगें मान ली जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक लिखित में कोई आदेश जारी नहीं हुआ। यही रीज़न रहा था कि अब हम लोगों ने दोबारा हड़ताल पर आ गए हम लोग, और जब तक हमें लिखित में कोई आदेश नहीं मिल जाता है तब तक हम अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे। प्रत्येक मुख्यालय पर हमारे पूरे प्रदेश में ये हड़ताल जारी रहेगी। आपकी हड़ताल से क्या क्या चीज बाधित हो रही है? हमारी हड़ताल से काफ़ी चीज़ें बाधित हो रही हैं। जैसे आज का ही जो हम कहें कि आज ही क्या बाधित हुए, हमारे CSC शोरूम पर एक महिला नशबंदी कैंप था, जो कैंप पूरी तरह फेल हो चुका, क्योंकि रुबेला, खसरा रुबेला, मिजल्स एक प्रोग्राम चल रहा है, एक ACF प्रोग्राम लागू हुआ था जो पूरे प्रदेश में हो चुका है, हमारे यहाँ शुरू हुआ, उससे पहले शुरू होने के ही दौरान हड़ताल हो गई, वो भी बाधित पड़ा है। RBS के प्रोग्राम बिल्कुल फेल है। जैनी सुरक्षा कार्यक्रम, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है आकस्मिक सुविधाओं को देखते हुए, कुछ स्टाफ हमने छोड़ रखा है जनता के हित के लिए, बाकी हमारा वो भी बाधित सा ही है। हम लोग 2009-10 से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बराबर काम करते चले आ रहे हैं, वही काम परमानेंट कर रहे हैं, वही हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का अभी तक कोई भी वेतन, समान वेतन नहीं किया गया, बल्कि हम लोग ज़्यादा काम हम लोगों का कराया जाता है। जो मतलब हम लोगों की कुछ ANM की सैलरी जो 10,000 है वो मतलब संविदा पे है, कुछ 70,000 पा रही हैं, वो परमानेंट है, लेकिन काम स्टाफ के बराबर, उन्हीं लोगों के बराबर किया जा रहा है, करवाते हैं हम लोगों से, लेकिन हम लोगों को समान वेतन और समान कार्य चाहिए। तभी तक हम लोग तभी तक हड़ताल कर रहे रहेंगे जब तक हम लोगों की ये सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। हम लोगों को नहीं पता, हम तो स्वयं पूरी तरह से हड़ताल पे पड़े हुए, हम लोगों को नहीं पता कि क्या व्यवस्था कर रहे हैं, क्या कर नहीं रहे हैं। कांग्रेसियों का जश्न। इंदिरा गांधी परिवार की पौत्री प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस की पूर्वांचल प्रभारी तथा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने को लेकर कासगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। गुरुवार को कैंप कार्यालय पर मिष्ठान वितरण कर खुशी का जश्न मनाया। VO कांग्रेसियों का जश्न कार्यक्रम का आयोजन कासगंज शहर के प्रभु पार्क स्थित कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. शशिलता चौहान के आवास पर संपन्न हुआ था, जिसमें एक दर्जन से अधिक वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जश्न कार्यक्रम में एक दूसरे को मिष्ठान खिलाई और खुशी जाहिर की। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. शशिलता चौहान ने जानकारी देते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक अच्छा निर्णय लिया, जो प्रियंका गांधी को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव तथा पूर्वांचल की प्रभारी बनाए जाने से संगठन को खासी मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रियंका के शामिल किए जाने से दूसरी पार्टी के नेताओं के भी फोन आने लगे हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी में शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने दो दिग्गज नेताओं के शामिल होने से 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की विजय हासिल होगी। आज हमारी जिला कांग्रेस कमेटी समस्या उपस्थित हैं,
आज जो मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम है हमारे कांग्रेस के संगठन में, माननीय राहुल जी ने प्रियंका जी को एक जिम्मेदारी सौंपकर और ज्योतिरादित्य जी को एक जिम्मेदारी सौंप करके कांग्रेस के लिए ये दो ऐसे स्तंभ दे दिए हैं जो जनमानस से जुड़े हुए हैं। प्रियंका जी में आम आदमी इंदिरा जी की छवि देखता है और उनका जो नेतृत्व, जैसा कि अभी तक वो अमेठी और रायबरेली में ही काम करती थी चुनाव का, लेकिन अब उनको एक पूर्वांचल का, पूरे पूर्वांचल का भार सौंपा है। निश्चित तरीके से मानिए पूर्वांचल में कांग्रेस तो छाई ही रहेगी, साथ ही पश्चिमांचल में भी माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य को जो कमान सौंपी है वो भी जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे कांग्रेस के नेता हैं, वो भी जनमानस के हृदय में एक अपना स्थान बनाए हुए हैं। निश्चित समझिए कांग्रेस अपना परचम लहराएगी, उत्तर प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और केंद्र में भी हमारी सरकार बनेगी। जैसा कि कल से ही जब से उन्होंने ज्वाइन किया, तमाम लोगों के कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए फोन आ रहे हैं और कहते हैं अब कांग्रेस लौटेगी। ये एक आम बात फोन से लोग कर रहे हैं, कांग्रेस में भारी जन सैलाब उमड़ रहा है, कई दलों से लोग टूट करके कांग्रेस में आ रहे हैं। ये हम सब के लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है और खुशी का माहौल है हमारे यहाँ, उसी परिप्रेक्ष्य में आज मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। धन्यवाद। महिला ने लगाया 5 लोगों पर दुराचार का आरोप, थाना वृंदावन क्षेत्र में एक महिला ने युवक और उसके साथियों पर अगवा कर गेस्ट हाउस में ले जाकर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपी युवक का कहना है कि महिला उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस पीड़िता का मेडिकल करा रही है। यह है मामला। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के बिहारी जी पुलिस चैकी क्षेत्र स्थित एक गेस्ट हाउस से एक महिला ने बुधवार की सुबह पुलिस को फोन कर खुद के साथ गैंगरेप होने की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता के कहने पर गेस्ट हाउस से एक युवक को पकड़ लिया और चौकी पर ले आई, जहां पीड़िता ने बताया कि इस युवक और उसके 5 साथी जबरन उसे घर से गाड़ी में अगवा कर गेस्ट हाउस में ले आए, जहां उसके साथ दुराचार किया गया। बताया गया है कि पीड़िता स्थानीय मंदिर में महिला गार्ड है और शादीशुदा है। जानकारी होने पर महिला के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। वहीं पकड़े गए युवक ने बताया कि महिला उसी के गांव की रहने वाली है और पिछले 1 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। आरोपी का कहना है कि महिला ने ही उसे फोन कर बुलाया था और अब गैंगरेप का आरोप लगा रही है, जबकि महिला के बुलावे पर वह अकेला ही यहां आया था। पीड़िता द्वारा गैंगरेप का आरोप लगाने के बाद पुलिस महिला का मेडिकल करा रही है। SHO प्रवीण कुमार मान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ये मेरे घर से मुझे पहले भी परेशान करते थे, 3-4 लोग मेरे घर पहले भी गए थे, वहाँ मार तोड़ करी थी मुझे पहले भी। मैं इनके हत्ते न चढ़ी में भाग गई थी। वृंदावन कैसे पहुँचे आप? वृंदावन कैसे आया? मैं ड्यूटी करती हूँ वृंदावन में, और उसके बाद में इसने मेरे घर से 3-4 लोगों को लेवा के मुझे गली गोली मार दूंगा अगर तूने किसी को बोला। फिर ये गाड़ी में डाल के ले गए थे मुझे, फिर उसके साथ रेप दिया, फिर कमरे में हिजाब भी थे मेरे साथ रेप दिया। मुझसे धमकी दे रहा है अगर तू मुझे ऐसे पलती झूठी वो देगी तो मैं तुझे फंसा दूंगा, तुझे मार दूंगा, तेरे मुंह पर तेजाब फेंक दूंगा, तेरे घर वाले को छोड़ूंगा, तेरे बच्चों को छोड़ूंगा। मेरा एक बच्चा इसने मेरे सीट पर भी पहले ज़बरदस्ती रेप को लगवा रहा था, करवा था। आसमान से बरसी आफत ने किसानों पर बरपाया भरपूर। के दिनों में हुई उत्तर भारत में बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों को मुश्किल में डाल दिया है। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। 2 दिन पूर्व हुई मथुरा में तेज आंधी के साथ बारिश में एक तरफ तो किसानों को खुशी दी, वहीं दूसरी तरफ महावन क्षेत्र के गांव बरौली में बारिश के साथ साथ गिरे ओलों ने आलू और सरसों किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। आसमान से किसानों के लिए गिरे ओलों ने मुश्किल पैदा कर दी और वहीं किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई। गांव बरौली के किसानों का कहना है किसान को हमेशा ही परेशान रहना पड़ता है, कभी नीचे वाला मारता है तो कभी ऊपर वाला मारता है। कुछ दिन पूर्व हुई बारिश ओले गिरे फसल पर गिरे ओले के कारण आलू की फसल बर्बाद हो गई। सरसों में भी ओलावृष्टि का नुकसान साफ साफ देखने को मिल रहा है। किसान प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उनकी मदद की जाए।
उत्तर भारत में हुई पूर्व के दिनों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि ने भी किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। दो दिन पूर्व हुई बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि महावन के किसानों को मुश्किल में डाल दिया है। ओलावृष्टि होने के कारण सरसों की फसल इस कदर बर्बाद हो गई है, किसान परेशान है। गांव बरौली से तहसील महावन अपनी समस्या लेकर आए किसान पूरन सिंह और निहाल सिंह ने बताया, ओलावृष्टि के कारण फसल बर्बाद हो गई है। हम इसलिए मैडम के पास आए हैं ताकि वह हमारी समस्या को सुने। थहरडी फैल बीघा जमीन पट्टे पर ली थी और पूरी की पूरी खराब हो गई। एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से गुहार लगाने आए हैं, कुछ मदद कर दे। किसानों का कहना है किपले से ही बेसहारा पशुओं से हम लोग परेशान थे। बेसहारा पशु हमारी फसल को खा जाते थे, लेकिन पशुओं का इंतजाम किया तो ऊपर वाले ने हमारे ऊपर थर बरसा दिया। हम करे तो क्या करे, कहां से बच्चों के लिए खाना लेकर आए या खेत करे। जो भी घर में था वह यह सोच कर लगा दिया कि अगर फसल अच्छी हुई तो हम लोग आगे अपना प्रबंध कर लेंगे, लेकिन ऊपर वाले ने उल्टा इस मरे हुए किसान को ही मार दिया। कहां से आए हो? बरौली से। क्या ये क्या लेके घूम रहे हो हाथ में? ये लाया है सर, और जो है ओलावृष्टि से बर्बाद हो चुकी फसल जो है। एक पट्टे में जमीन थी हमारे पे 35 बीघा, लाजो बर्बाद है। इसमें यही फसल आनी थी और ये भी बर्बाद हो गई। यहाँ किस लिए आए हो आप? यहाँ एसडीएम साहब के और तहसीलदार साहब के पास आए हैं। फिर क्या हुआ? कुछ राहत मिला, अभी पहुँच रहा हूँ उनके पास में। तो बात नहीं हुई? अभी कोई बात नहीं हुई उनसे। क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? इसका कुछ मुआवजा मिल जाए ढंग से तो ठीक है। कितने का नुकसान हुआ है तुम्हारा? नुकसान तो करीब 2.5 लाख रुपए का हो रहा है। 2.5 लाख रुपए का जी। आपके खेत में और भी लोग खेत है? पट्टे पे थी उसी जमीन में, कुछ अपने अपने खेत में हो रहा है। और काफी किसानों का मतलब ये नुकसान हो चुका है। खेत पर काम कर रहे 50 वर्षीय एक किसान पर टाइगर ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया है। गंभीर अवस्था में घायल को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना थाना न्यूरिया क्षेत्र के भरतपुर गांव की है। घटना होने से गांव में दहशत फैल गई है। बताया जा रहा है कि मिलन बाला अपने खेत पर गेहूं में पानी लगा रहा था, तभी घात लगाए टाइगर ने मिलन पर हमला कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि मिलन का जबड़ा कई जगह से टूट गया। चीख पुकार होने पर टाइगर जंगल की ओर भाग गया। आनन फानन में मिलन को अस्पताल लाया गया, जहां से रेफर किया गया। वही घटना के बाद टाइगर को लेकर लोगों में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के थोड़ी ही दूरी पर जंगल है, आए दिन टाइगर जंगल से निकलकर खेतों व रिहायशी इलाकों में आ जाता है और मवेशियों पर हमला करता था, लेकिन अब इंसानों पर भी करने लगा। ग्रामीणों ने वन विभाग से निजात दिलाने की बात कही है। वही जिला अस्पताल पहुंचे डीएफओ का कहना है कि वो मौके पर जा रहे हैं और मामले में जांच शुरू कर दी गई है। प्रधान जी, कहाँ अटैक हो गया, कहाँ जा रहे थे ये, क्या मामला था? खेत में रखवाली कर रहे थे। फिर क्या हुआ? क्या हुआ जी? फिर आ गया जंगल किनारे खेत ही है और कूद पड़े उसके ऊपर। चिपट पड़ा और मारा झापड़ मार के भाग के जिला पड़े साइड में, और लोग थे उन्होंने जिला पड़े तो दौड़ पड़े। आते रहता है शेर क्या? किनारे शेर आता रहता है वहाँ? हाँ आते रहते, पहले भी आए। बकरी कई जनवर ले गए गाय। फिर विभाग को बताया? कई बार शिकायत की है इस संबंध में। क्या हुआ आज जो हुआ है उसकी आपने वन विभाग को बताया इसके बारे में? अभी तो तुरंत हम लोग यहाँ हॉस्पिटल चले आए। क्या चाहते हो आप लोग? क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं कि उसको रोकथाम हो और क्या आगे नुकसान ना हो किसी का, ऐसा हादसा हो किसी के ऊपर ना हो। इससे पहले भी हादसे हुए हो? इससे पहले जानवर ले गए, कई 4-5 गाय ले गए, 4-5 बकरी ले गए। तो जो लोग जाने में डरते हैं खेतों पे? बिल्कुल डरेंगे, सब जानवरों को डरेंगे नहीं। बताइए। हाँ डरते हैं। सर एक टाइगर अटैक है, किस तरह का अटैक है, क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या क्या आपकी ओर से कदम उठाया गया? ये भी सूचना मिली थी हमको थोड़ी देर पहले कि एक टाइगर ने व्यक्ति को घायल कर दिया है, और जैसा कि बताया गया था उसको रेफर करके यहाँ पे जिला अस्पताल में भेजा गया। तो मैं अभी मिलने आया था, घायल को देखा है, डॉक्टर साहब से भी बात हुई है। काफ़ी थोड़ा सा फ्रैक्चर बता रहे हैं एक तरफ गाल में, और चूँकि यहाँ पर अभी उतना इलाज उपलब्ध नहीं है इसलिए इनको बरेली रेफर किया गया है। जो भी इनकी मदद करनी होगी इनका इलाज बेहतर करवाया जाएगा। और रही बात
मौका मुआयने की, तो स्टाफ को भेजा गया कि जगह कौन सी है, घटना किन परिस्थितियों में ये अटैक हुआ है, उसकी अभी जांच की जा रही है। उसका जब रिपोर्ट आ जाएगी मैं भी स्वयं जा रहा हूँ अभी मौके पर, देखूंगा किस प्रकार से घटना। क्या सूचना क्या आपको आई थी, टाइगर अटैक है? ये बताया गया था कि एक टाइगर ने हमला कर दिया व्यक्ति पे, मिलन नाम के व्यक्ति हैं, भरतपुर कॉलोनी के रहने वाले हैं, तो उन्हीं को मैं देखने यहाँ पर आया था। बाकी कार्रवाई आगे की, पहले इनका इलाज करवाया।